नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करते हैं तिल चौथ। कहानी सुनने का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है, अब आप कहानी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद जो हम कहानी सुनते समय जल रखते हैं, कहानी सुनने के बाद आप उस जल को आपने सूर्य देव को अर्पित करना होता है। अगर आपने कहानी सूर्य देव के उदय के समय दौरान ही सुनी है तो आप इस जल को सूर्य देव को ही दे सकते हैं। सूर्य देव के अस्त होने के बाद ही कहानी सुनते हैं तो फिर उस जल को सूर्य देव को अर्पित ना करें। सूर्य देव चाहे आपको दिखाई दें चाहे दिखाई ना दें, आपने इस जल को अर्पित करना होता है। जल के लोटे में आप कुछ ना कुछ मीठा अवश्य डालें, चाहे तो आप तिलकुटी डाल सकते हैं चाहे आप गुड़ डाल सकते हैं। जल अर्पित करते समय आपने ये अवच बोल: चंदा सूर्य हिलो उग्यो, हरिया वास कटाई, साजन उबा वारने, अखा पत्ती लाए, सोना किसी सांकली, गले मो तीन रोहार, तिल चौथ का चांद सूर्य ने अर्घ देवता जीवो वीर वरतार। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं: हरे वास की छावड़ी, गलमो तीन का हार, चंदा सूरज को अर्घ दूं, जिए मेरे भाई वरतार, आक तले मेरे सासरे, डाक तले न दसार, फीहर सासरो ऐसे वसो, जैसे कीड़ी को सोनाल। इस तरह आपने सूर्य को अर्घ देते हुए बोलना है। अर्घ देने के बाद आप सूर्य को नमस्कार करें और परिक्रमा करें, वहीं खड़े होकर परिक्रमा करें। उसके बाद आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लें।